श्रीनिवास नारायण उदास बैठे थे, तभी बकुल मल्लिका वहां आई। ये क्या श्रीनिवास, हमेशा तो शिकार से लौटते ही भूख से रहा नहीं जाता, ये आज तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ खो गए हो? लगता है जरूर अपनी मनचाही युवती से मुलाकात हुई है। मैं सच कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक समझा बकुल मल्लिका। अच्छा तो ये बात है, मुझे बताओ वो कौन है, मैं अभी जाकर बात पक्की करके आती हूँ। उसका नाम पद्मावती है, आकाश राजन और तारिणी देवी की कन्या। एक जंगली हाथी से जूझते हुए मैं एक राजवाटिका में पहुंच गया और उसी राजवाटिका में मैंने उस सुंदर युवती को देखा। पद्मावती के बारे में एक रहस्य है, तुम मेरी परम भक्त हो, मेरी देखभाल करती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नारायण विस्तार से रहस्य बताने लगे। पिछले जन्म में मैं श्री राम के रूप में अवतारित हुआ था। उस समय मेरी पत्नी सीता को रावण ने अगवा कर कुछ समय तक अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। संसार को अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए सीता ने अग्नि प्रवेश किया। उस अग्नि से दो सीताएं प्रकट हुई। अग्नि देवता ने मुझे यानी कि श्री राम से कहा कि ये वेदवती है, श्री नारायण से विवाह करने की इच्छा से वो हिमालय पर तपश्चर्या कर रही थी। तब वहां से गुजरते हुए रावण ने उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर उसके साथ अनाचार करने का यत्न किया। रावण के कामाग्नि से बचने के लिए उसने अग्नि प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने उसे बचाया। अग्निदेव ने श्री राम से आग्रह किया कि वो सीता और वेदवती से विवाह कर लें, लेकिन मेरा श्री राम का उस जन्म में एक पत्नी व्रत था, मैंने उस जन्म में सीता के साथ विवाह किया था, इसीलिए मैं वेदवती के साथ विवाह नहीं कर सका। पर मैंने अग्निदेव को कलयुग में वचन निभाने का वादा किया और अब उस वचन को पूरा करने का समय आ चुका है, वेदवती से विवाह करने का समय आ चुका है। नारायण आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर पद्मावती के साथ आपका विवाह निश्चित कराती हूँ। नारायण अकेले ही सोच रहे थे। बकुल मल्लिका मेरे मन को समझती है, वो पद्मावती से विवाह निश्चित करके आएगी भी, परंतु मेरा मन मकड़ी के जाल में फंसे भवरे की भांति तड़प रहा है, पद्मावती से मिलने व्याकुल हो रहा है।